नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रचित। और जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल में ऑलरेडी देखा रहेगा, मैं आज कुछ अलग टॉपिक के ऊपर आपके साथ बात करने वाला हूं। सो लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं जो मैसेज आपको कन्वे करना चाहता हूं, मैं जो मैसेज आपको देना चाहता हूं, वो इंपॉर्टेंट है। हम सभी को पता है कि पुलवामा में 14 फरवरी को हमारे इंडियन सोल्जर्स के ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ था और उसमें 44 के ऊपर हमारे जवान शहीद हुए थे। और आज भी उन टेररिस्ट को, उनका जो मास्टरमाइंड था, उन दोनों को ख़त्म कर दिया, लेकिन उसमें भी हमारे 4 जवान शहीद हो गए। तो हम सभी को पता है, हम सभी जवानों के साथ हमेशा रहते हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि ये हमारे देश की सेवा के लिए है, ये हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए तो आज हम यहाँ आराम से घूमते फिर सकते हैं। लेकिन एक हमारा भी फ़र्ज बनता है उनके प्रति, कि अगर उनको कुछ हो जाता है तो उनके परिवार के लिए, उनके भी बूढ़े माँ बाप रह सकते हैं, उनके भी बीवी बच्चे रह सकते हैं, तो उनके लिए हम लोग हमारी तरफ से कुछ हेल्प कर सकें। तो आप भारत के वीर करके एक वेबसाइट है, इंडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप गूगल पे सर्च करिएगा भारत के वीर करके, तो आपको ये वेबसाइट सबसे पहले मिलेगी। और इंडियन गवर्नमेंट में हाल ही ये वेबसाइट स्टार्ट की है सोल्जर्स को ये फंड करने के लिए, कंट्रीब्यूशन देने के लिए। तो एक्चुअली उन्होंने जो हमारे जवान शहीद हो गए थे उनको डायरेक्टली अकाउंट में पैसा जमा करने के लिए भी एक उधर ऑप्शन था, लेकिन वो 15 लाख का जो लिमिट था वो ऑलरेडी सभी लोगों ने कंट्रीब्यूशन करके, वो 15 लाख का लिमिट ऑलरेडी बंद हो गया। तो वहाँ जाके आपको एक सेकेंड ऑप्शन मिलेगा कि ये डोनेट टू द कॉर्पस फंड, सोल्जर्स फंड। तो आप अपनी तरफ से चाहे फिर कुछ भी हो, 10, 20, 50, 100 रुपया, मेरे हिसाब से 100-200 रुपया आप आराम से कंट्रीब्यूट कर सकते हो हमारे सोल्जर्स के लिए, और आप वहाँ से कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। या फिर पेटीएम में भी एक ऑप्शन है जहाँ से भी आप CRPF जवानों के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। और ये कंट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरकार तो हमारे जवानों के लिए कुछ ना कुछ कर रही है, वो तो ठीक है, लेकिन एज ए इंडियन सिटीजन, अगर हम लोग भारतीय नागरिक है, तो हमारा भी कुछ फ़र्ज बनता है उन जवानों के लिए कि हम भी कुछ करें उनके लिए। छोटी से छोटी रकम रहेगी तो भी चलेगी, 100-200 रुपए से मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन हर एक बंदा अगर 100-100 रुपए डोनेट करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा हमारी तरफ से, तो आप सोच सकते हो कि उन जवानों के परिवार के लिए थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी, उनको भी, उनके अगर बीवी बच्चे रहेंगे, माता पिता रहेंगे, उनको भी हेल्प मिलेगी। तो मैं आप सभी लोगों को वही गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उन वेबसाइट के जरिए, भारत के वीर करके एक वेबसाइट है, वहाँ से या फिर पेटीएम से ये कंट्रीब्यूशन ज़रूर करना। और एक चीज़ ऐसी है कि काफ़ी सारे लोग हमारे, मतलब जनरेशन के पीछे वाले जैसे लोग हैं, जैसे कि हमारे मम्मी डैडी या फिर हमारे नाना नानी, ग्रैंड पेरेंट्स, उन लोगों को भी ऐसा लगता है हमेशा कि हम भी हमारे जवानों के लिए कुछ करें, लेकिन उनको ये ऑप्शंस पता नहीं रहता है। तो आप ये जो मैसेज है, जो ये जो ऑनलाइन डोनेशन कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ये मैसेज आप स्प्रेड करिए, आपके फैमिली में स्प्रेड करिए, आपके दोस्तों में स्प्रेड करिए, आप उन लोगों को एनकरेज करिए, ताकि वो लोग भी उनकी तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके। और आप सभी को पता है, अगर हम लोग हमारे परिवार में, फैमिली में, या फिर हमारे किसी नज़दीकी दोस्त के साथ अगर कुछ हो जाता है, तो हम लोग हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये सोल्जर्स भी हमारे दोस्त ही है, हमारी फैमिली है, तो हम उनके लिए थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन ज़रूर कर सकते हैं, और ये हमारा फ़र्ज बनता है। अगर वो लोग हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पे शहीद होते, तो हमारा तो इतना तो फ़र्ज बनता है कि हम हमारी तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन उन लोगों को ज़रूर दें। तो प्लीज़ आप ये मैसेज स्प्रेड करना, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है, इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है कि ऐसे भी कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है और ऐसी भी हेल्प की जा सकती है। तो आप प्लीज़ ये मैसेज को कन्वे करना अपने दोस्तों को, फैमिली, रिश्तेदारों को। और मैंने तो मेरा काम कर दिया, लेकिन उसके ऊपर भी अगर इस वीडियो से मुझे जितने भी पैसे मिलेंगे YouTube से, वो सभी पैसे मैं डोनेट करूंगा उस सोल्जर्स फंड के लिए, ताकि कुछ और अपनी तरफ से हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा कर सके। बस यही एक छोटा सा मकसद था इस वीडियो का। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।